ये कहाँ कैसे क्या बुक होगा वो मुझे बता दो कैसे करना है। जी 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 नहाना चाहेंगे तब तो सर आपको किला पहुँचा ही क्यों तो कैसे नहाते मुझे पता नहीं आ रही है। ये तो यहीं पे करते हैं स्नान ये तीनों नदियाँ यहीं पे मिलती हैं। हाँ तीनों मिलती हैं तो फिर यहीं पे नहा लेते हैं। ठीक है जैसे आप बोले मुझे तो नहाना है। क्या करेंगे वो करती नहीं नहीं जैसा आप अगर नाव के अंदर अगर आप अंदर बीच में जाना चाहते हैं तो घूमने जाते हैं थोड़ा अच्छा लगे और यहाँ पे साफ है तो मिल जाएगा वो करवा देंगे। क्या करें फिर यही नहा लें जैसा आपको ठीक लगे फिर टाइम लगेगा ज्यादा यही यही नहा लेते हैं। फिर नाव कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से वो सर पीछे आम के पेड़ का दिखाई देता है ना वो अकबर किला हुआ 400 वर्षों के बाद इस बार जो है 9 जनवरी को किला का गेट खोला गया है योगी सरकार ने खोला है मोदी का भाषण हुआ 400 साल के बाद। अकबर बादशाह ने क्या किया था अंदर जो बरगद का पेड़ था उसको जड़ से खोद कर जला दिया था। ये कुदरती फिर पैदा हो गया कहीं ना कहीं उसको आज साक्षात हम लोग सब फौज का आदमी बचा कर रखा आज भयंकर है एकदम जो अक्षयवट के नाम से फेमस है। दूसरी बात उसके बगल में सरस्वती कुंज जो सरस्वती महारानी उसका दिमाग को विध्वंस कर दिया तब जा कर को जगह कुछ करना पड़ा उनको। तो भी क्या करें बाप बताओ हमारा तो यही है कि आप दुआ करो या तो हम पब्लिक भी सुना ठीक है महाराज वही वही जाके आते हैं तो नौ बाप लोग जाएंगे। हां नौका से चले जाएंगे नौका से जाएंगे नौका से जाएंगे तो नौका पर एक अंडे की नजर क्या करते हैं आजकल आप फिर से बोलिएगा आप फिर से बोलिएगा कि क्या आपने क्या बोला दोनों जन सर हाँ? अपना गमछे का या धोती हम लोग बोलते हैं धोती हाँ? या साड़ी का दोनों गांठ लगा लीजिएगा अच्छा ज्वाइंट करके ये निकर पहन रखी टी शर्ट पहन रखी एक गमछा लपेट लीजिएगा ना अच्छा तो तौलिया तौलिया ओके आपका भी जो है चुंडी जो होगा ये दुपट्टा दोनों को ज्वाइंट होना चाहिए एक साथ डुबकी लगाना है चाहे दो डुबकी हो तीन हो लगा करके अपने भगवान का नाम लीजिए उसको सुर माना जब हाथ है तो हाथ में हाथ पकड़ के डुबकी लगा सकते हाथ पकड़ के डुबकी लगा ठीक लाल कपड़ा नहीं मिल जाएगा लाल कपड़ा खरीदेंगे इधर से वो सर वही मिल जाएगा लाल कपड़ा खरीद लेते हैं वहां पे चल ठीक है जी ओके जी ओके थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? संग्राम सिंह मेरा नाम है। अच्छा मैं छोटा सा रेसलर हूं अच्छा अच्छा मेरा नाम सुनील कुमार यादव। अच्छा तो अभी हम कहां जा रहे हैं जी? जो अकबर का किला है जी उसके पास से हम निकलेंगे सीधा बोट से और संगम में। ओके अकबर के किले से हम निकलेंगे मतलब उसकी तरफ जा रहे हैं संगम में। तो हम बोट से अकबर के किले पे पहुंचेंगे कि अकबर नहीं नहीं अकबर के किले से बोट पे बैठेंगे जी वहां से फिर संगम में जाएंगे। ठीक है All this is knowledge to me. ये सब मेरे लिए information है जो obviously मैं record कर रही हूँ। I hope आप सब लोग देख रहे हैं the colorful कुंभ मेला। और संग्राम और मैं एक दूसरे से बात नहीं कर रहा। अच्छा ब्रेन के लिए। तो फोर्स में भी बार बहुत लगा रखी है। बहुत ज़्यादा सरकार तो फिर ये रिपीट कर रही है सुना मैंने हरियाणा में भी वो सुरजे वाला से बाहर के बताओ सुरजे वाला क्या ही वहाँ तो कृष्ण बेटा चल गया और दुष्यंत भी गया वहाँ तो गीता फोकाट और भी आ लेते उसके दुष्यंत के उसमें भी हाँ दो तीन बार बेवकूफ है खिलाड़ी और राजनीति में आना इनसे एक मुझे से बोल का होगा बोल 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 बोल
रखी हुई है तो अभी हम अकबर के किले के पास पहुंचे हैं और यहां से हम नाव लेने वाले हैं बोट मुझे पता है बोट है संग्राम जी सेफ नहीं है सेफ नहीं है शेफ ये है बड़ा अकबर का किला उसने पेड़ जला दिया था बदमाश ने पूरा नीचे से निकाल के जी नीचे से निकाल के बरगद का पेड़ है क्यों ने जला दिया था खत्म करने के लिए जी अकबर ने ये अनुमान कहा ना जो यहाँ पे उसका भी कर दिया था तो हथियारों से वो जितना वो कर रहे थे उतने नीचे जा रहे थे ये वाला पूरा किला है बट बरगद का पेड़ जलाने का क्या लॉजिक है दैट इज वो तो पेड़ है वो मंदिर मंदिर था ना हनुमान जी के मंदिर था वहाँ पे अच्छा वहाँ पे मंदिर था वो भी उसको वो करने की कोशिश की ये अकबर का किला है हाँ 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और ये किले में वो क्या करता था उसने क्यों वो बरगद का पेड़ जला दिया क्योंकि वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर था ना बरगद क्या था हनुमान जी का मंदिर था इसलिए जला दिया जलाने कोशिश करी पर जला नहीं वो जड़ से निकाल दिया फिर पेड़ फिर हो गया ये कौन सा ये वाला पेड़ जो सामने वाला पेड़ नहीं पेड़ वो देखो वो ज्यादा पत्ते जो जिसकी जड़ निकाल दी थी वो बीच में दिख रहा जो वो दिख रहा जब वो सा पेड़ दिखा 600 साल के बाद ही किला खोला गया मोदी साहब ने खोला है और ये पेड़ की कहानी क्या थी आप मुझे कुछ कह रहे थे ये अकबर ने ये मंदिर के पास बना हुआ था पेड़ और इस पेड़ को ना जड़ से मतलब उसने उखाड़ दिया था ऐसे उखाड़ा था ना जला दिया था मतलब जलाने की कोशिश की थी फिर से ये पेड़ हो गया जलाने क्योंकि मंदिर था यहाँ पे हनुमान जी का ओ और आप हनुमान जी के फॉलोअर हो आप भक्त हो हनुमान जी के संग्राम जी यस हाँ या ना यस बिकॉज आप अच्छा ठीक है जय बजरंगबली